हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, ये है टाटा नेक्सॉन ईवी का अपग्रेडेड वेरिएंट, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो देख रहे हो आप ये है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज जो है मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। आप जो है उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में एक एक चीज़ है आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, इसका ड्राइविंग रिव्यू, इसका वॉकराउंड, इसके क्या क्या फीचर्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के ऊपर जो है वीडियो देखते रहना। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से क्या क्या चेंजेज है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ के अंदर जो नेक्सॉन ईवी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें फ्रंट से। तो फ्रंट के अंदर देखिए, आपको जो है इसके अंदर दोस्तों देखने को मिलता है फ्रंट के अंदर टाटा का लोगो, और यहाँ पे जो है ये ग्रिल दी गई, इसको जो है पियानो ब्लैक कलर के अंदर ये ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। और ग्रिल के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको जो है ईवी की बेजिंग आपको जो देखने को मिल जाती है एक्वा कलर के अंदर, और ये जो है एक लाइनिंग आपको जो है देखने को मिल जाती है जो ये बताती है कि ये ईवी है। और ये सेम जो है आपको ईवी जो पुरानी वाली ईवी है उसके अंदर मिलता है, कोई चेंजेस है नहीं फ्रंट से। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम जो है डिटो डिज़ाइन आपको फ्रंट से देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है हाई बीम का यूनिट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और देखिए, ये जो है कुछ इस टाइप से की आपको देखने को मिलेगी जब मैं इसके अंदर कुछ, ये देखिए, ये आपको जो है DRL से यहाँ पे जो देखने को मिल जाएंगे। हेलोजन के अंदर आपको जो है ये मेन हेडलाइट यूनिट देखने को मिल जाती है, बट प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट है हेलोजन के अंदर। तो कुछ इस टाइप से की के अंदर ये यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो ये बूट ओपन होगा, इससे जो है आप जो है करोगे तो ये आपका जो है लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये है कुछ, यहाँ पे आपको नीचे जो है फॉग लैंप देखने को मिल जाएगा, और ये यहाँ पे भी ये कलर दिया गया एक्वा कलर है, ये कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको जो ये देखने को मिल गया। अब अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे आपको जो है यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। और ये नीचे आपको जो है सिल्वर फिनिश के अंदर आपको जो है ये छोटी सी ग्रिल सी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट का जो दोस्तों डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, कोई ज़्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है फ्रंट का, कोई चेंजेस नहीं है, सेम डिज़ाइन है। और इधर बात करें, इधर जो आपको ये वाइपर मिल जाते हैं, टॉप मॉडल है इसके अंदर जो है, तो नेक्सॉन ईवी XG प्लस का जो है ये लग्जरी पैक जो है ये वो वाला है टॉप, इससे ऊपर कुछ नहीं आता नेक्सॉन ईवी के अंदर। और इधर मैं बात करूँ तो इधर जो आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, जिसकी प्रोफाइल है आपकी 250 60 आर 60 95 पच, और ये जो है RR टायर आपको देखने को मिलता है, जिसको मतलब बोलते हैं रोल रेजिस्टेंट। अगर टायर कभी फ्यूचर में चेंज भी कराना हो ना तो ये RR वाले ही टायर हमें करवाने चाहिए ईवी के अंदर, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है, ग्रिप्स वगैरह लगी होती है जिससे जो है ब्रेकिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और साथ में मैं बता दूँ दोस्तों, इसके अंदर फ्रंट में भी आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और रियर में भी जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, आप देख रहे हो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है। और इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस देखिए 205 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, नॉर्मल ईवी आती है उसकी 209 mm है, इसकी 205 mm है। और नीचे का कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ये नीचे पूरा बैटरी पैक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और साइड से इधर बात करूँ तो इधर जो है आपको ईवी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, और इधर जो है ये ORBM आपको देखने को मिलेगा। ORBM पे ही आपको टर्न इंडिकेटर है, और ये एक स्ट्रिप यहाँ पे दी गई है एक्वा कलर के अंदर ही आपको जो है स्ट्रिप दी गई है। इधर जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और साथ में की का ऑप्शन जो होता है अगर इमरजेंसी के अंदर काम आती है तो इसके अंदर ये की होती है, यहाँ पर ये की जो है आपको इसके अंदर लगानी होती है, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। इधर जो है आपको ये रूफ रेल देखने को मिल जाएगी जो रनिंग नहीं है, ओनली शो के लिए, और इधर इधर आपको जो है सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस टाइप से इसका डिज़ाइन है। और अगर मैं रियर की बात करूँ, रियर है डिज़ाइन है ये हाई माउंट स्टॉप लैंप विद ब्रेक लाइट, ऊपर जो है आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, इधर जो है डिफोगर वाइपर, और ये एनिमल की थोड़ा सा वो डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इधर जो है वोकल फॉर लोकल की बेजिंग मिल जाएगी, और इधर जो है जिप्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा, और इधर जो है आपको नेक्सॉन की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, इधर जो है ईवी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कहीं पे भी फ्रंट में आगे पीछे कहीं पे भी मैक्स देखा हुआ नहीं लगता। इधर जो आपको रिफ्लेक्टर भी ये डिज़ाइन, और ये इसकी जो टेल लैंप है बहुत शानदार इसका डिज़ाइन लगता है, ये देखिए कुछ इस टाइप से जो है इसका टेल लैंप का डिज़ाइन है। पीछे आपको जो है पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और ये रिक्वेस्ट सेंसर है, इधर जो है रिवर्स कैमरा मिल जाता है, टाटा की बेजिंग मिल जाती है, और जो नेक्सॉन का डिज़ाइन है वो इसे हमें नीचे जो सिल्वर फिनिश के अंदर आपको जो है डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। कुछ इस टाइप से आपका पीछे का डिज़ाइन है, पीछे का डिज़ाइन भी सेम ही है, साइड का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई दिया, आगे का डिज़ाइन मैंने दिखाई दिया, आपको जो सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। एक बार फिर आप जो है नज़र मान लीजिए, पूरा ऐसा लुक है, काफ़ी शानदार गाड़ी, काफ़ी गुड लुकिंग आपको जो गाड़ी, इसके अंदर कलर वगैरह आप देख लेना, काफ़ी कलर आते हैं,
और इसका एक्सोरूम प्राइस मैं आपको जो है स्क्रीन पे बता दूंगा कितना है। दो है एक्स जी प्लस और एक्स जी प्लस लग्जरी, आपको जो है दो ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ जो चेंजेस है वो क्या क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर जाने से पहले देखिए मैं आपको की दिखा देता हूँ एक बार फिर से। कुछ इस टाइप की की आती है, ये देखिए इसके अंदर जो टेम्प्रेरी की होती है ना वो ऐसी होती है, कुछ इस टाइप की आती है। लॉक अनलॉक, इधर फॉलो मी हेडलैम्प और इधर बूट ओपनिंग, और इधर से जो है रिक्वेस्ट सेंसर से आपको जो है ये देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर दबा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको जो है ये डोर मिल जाते हैं। और ये है कुछ नेक्सोन ईवी मैक्स का इंटीरियर, इंटीरियर आपको डोर वगैरह पे सेम मिलेगा। इधर जो है लाइट है आपको जो है नाइट के अंदर जो पेडल शिफ्टिंग लाइट होती है उस टाइप का कुछ है। यहाँ पे आपको जो है ये डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो ट्राई एरो डिज़ाइन है। इधर जो है आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इधर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश है। इधर जो है आपको इसके अंदर जो है विंडो के अप डाउन के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये क्रोम के अंदर है ये, और इसके अंदर जो है ना ये देने चाहिए था जैसे ये डिज़ाइन दिया है ना ये बहुत प्रॉब्लम करता है इधर पकड़ने के लिए जगह। और इधर जो है आपको स्पीकर मिलता है, और इधर जो है आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाता है बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप का इसका जो डोर है सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ये ओ आर बी एम कंट्रोल करने का ऑप्शन है। अब जो चेंजेस आता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला चेंजेस टॉप मॉडल लग्जरी के अंदर ये आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिलेगी। इधर जो है आपको ये हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ इस टाइप की इसके अंदर जो है सीटें हैं, डिज़ाइन देखिए आप सीट का बहुत ही प्यारा इसका सीट्स का डिज़ाइन है। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आप जो है कवरिंग वगैरह करा नहीं सकते बात के अंदर, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स है। फिर ये कलर रहना है आपका, कलर देख लेना। और अगर मैं आपको चलता हूँ गाड़ी के अंदर लेके, और कुछ इस टाइप से जो है इसका इंटीरियर है देखिए। कुछ इस टाइप का इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। और अब मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। गाड़ी के अंदर आते ही मैं सबसे पहले इसको करते हैं हम इग्निशन ऑन। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे कुछ इस टाइप का इसका वो आएगा, ये देखिए। अब मैंने इसको कर दिया है ऑन, और ये देखिए ये कुछ इस टाइप का इसका जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके अंदर जो है आपको रीजन का आता है, ड्राइव का आता है, बैटरी परसेंटेज आता है, कितने किलोमीटर चली हुई वो आता है, कौन सा मोड इसके अंदर आया है वो आता है, यहाँ पे टोटल कितनी किलोमीटर आ गई वो आता है, इधर जो एफएम वगैरह क्या चल रहा है वो है। इधर जो है मैक्सिमम स्पीड आपको जो है 160 की आपको जो है मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है पहले वाली जो ईवी थी उसके अंदर 120 तक आप जो है इसको ड्राइव कर सकते हैं, अब जो है 140 तक का इसका लॉक कर दिया है। और उसके बाद में बात करते हैं स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग लेदर है, आपको स्टेयरिंग मिल जाता है। इधर जो है आपको इसके अंदर स्टेयरिंग के ऊपर ही आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इधर ब्लूटूथ ऑन ऑफ का है, इधर अप डाउन कॉल अटेंडर, इधर जो आपको क्रूज कंट्रोल मोस्ट डिमांडेड फीचर जो है नेक्सोन ईवी के अंदर, देख क्रूज कंट्रोल ये है, इससे जो है स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ये क्रूज ऑन ऑफ कर देते हो। डी कट डिज़ाइन, पियानो ब्लैक फिनिश, काफ़ी शानदार लुक इधर जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। इधर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए जगह, इधर जो है कुछ स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन, हेडलाइट यूनिट का आपको ये मिल जाता है। ये इधर जो है वाइपर प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको जो है वाइपर कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर जो है आपको हेडलाइट के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ इस टाइप से इसका हार्ड प्लास्टिक है। म्यूजिक सिस्टम सेम ही है इसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे एक 40 ये आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल गया है। यूएसबी बाकी सारी चीज़ें सेम ही है इसके अंदर। केबिन एयर क्वालिटी आपको जो है एक अलग से एड ऑन फीचर्स इसके अंदर दे दिया, जो अभी पहले काजीरंगा एडिशन में आया था, ये एक नया ईवी के अंदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर देखोगे आप तो कनेक्टेड आईफोन, और ये जो है वायरलेस वाला है, मैं अभी आपको इसका भी बताऊंगा। इधर जो आपको बाकी सेम है नेक्सोन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड नेक्सोन में आता है। इधर ये स्ट्रिप दे दी एको कलर की, इधर ये ग्लो बॉक्स आपको जो दे दिया पहले वाला था, इसके अंदर कोल्ड ग्लो बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दे दिया, कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है, टॉप मॉडल है। इधर जो आपको इसके अंदर सनरूफ है, सनरूफ वगैरह आपको पहले भी मिलती थी, माइक कंट्रोल लाइट वगैरह, इधर जो आपको इसके अंदर ये मिल जाता है, और इधर जो आपको इसके अंदर ये मिल जाता है, और ये इसके अंदर जो है आपको ऑटो डिमिंग आईआरबीएम का ऑप्शन है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी आईआरबीएम के, बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने दिया है, ऑटो डिमिंग आईआरबीएम का आपको इसके अंदर फीचर दे दिया। इधर जो है आपको सेम वही कंसोल मिल जाता है, एसी कौन ऑटो ऑफ ऑन, ये इधर जो है इसके विंडशील्ड पे कहाँ जानी है एसी वगैरह। इधर जो आपको ये हिल डाउन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, हिल डाउन कंट्रोल का आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको दबाता हूँ, तो एच डी सी टर्न ऑन, इसको मैंने दोबारा किया, हिल डाउन डिसेंट कंट्रोल जो है ऑन ऑफ हो गया, इसी बटन से ये हो रहा था। इधर जो आपको चार्जिंग सॉकेट है उसको निकालने का ऑप्शन,
जो होता है वो ऑटो लॉक ऑन ऑफ था, इसको जो है निकालने का ऑप्शन है, इधर जो है इसको लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन आप देख सकते हो, ये बूट ओपनिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है। इधर भी आपको इसके अंदर ये चीज़ दी गई है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, इधर इधर यूएसबी केबल है, इधर जो है आप एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो, कुछ इस टाइप से इसका डिज़ाइन है। और अब आता है मेन कंसोल, ये जो है पूरा पूरा ही चेंज हुआ है, ये चीज़ है इसके अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है पार्किंग मोड है, इधर रिवर्स मोड है, ये न्यूट्रल है, ये ड्राइव मोड है, पहले इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड होता था। ये जो देख रहे हो ना, ये बड़ा मस्त लगता है, ये देखिए रिवर्स किया मैंने, कुछ इस टाइप से इसके अंदर हो गया, न्यूट्रल किया मैंने, अब कुछ है नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे भी इसके अंदर जो है लिखी हुई आती है। और एक छोटी सी चीज़ है, आप सुन पा रहे होंगे आवाज़ आ रही है इसके अंदर, पहले क्या होता था नेक्सोन ईवी चलाते थे ना तो पता भी नहीं चलता था, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होगी। इसको पता नहीं टाटा वाले कुछ बोलते थे इस डायलर को, बट ये बहुत ही अच्छा काम किया। इसके साथ ही इसके अंदर जो है आपको इको और सिटी का ऑप्शन मिलता है, देखिए इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और साथ में इसका कलर भी जो है आपको देख सकते हो कुछ इस टाइप का हो गया, यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा ये दोबारा सिटी पे ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी हो गया, इसका कलर भी कुछ चेंज हो गया। इधर जो आपको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, पहले सिर्फ स्पोर्ट्स था, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ये देखिए यहाँ पे भी जो है स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, रेड कलर हो जाता है, ये सिटी बाय डिफॉल्ट सिटी होता है। इको और स्पोर्ट्स का इन्होंने ऑप्शन दे दिया, तो ये काफी अच्छा मुझे लगा। और ये इधर से फिनिशिंग वगैरह काफी शानदार है। इसके अंदर पार्किंग, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का ऑप्शन दे दिया, इधर जो आपको रीजनरेशन का ऑप्शन दे दिया, कब तक जो आप रीजनरेट करना चाहते हो। ये देखिए मैं आपको इसको दबा रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप ऐसे करता हूँ तो लेवल इसको दबा, ये इधर वाला जो बटन है इससे कम होता है और इधर से लेवल तक होता है, ये ऑटो रीजनरेशन का ऑप्शन है। ये आपको डिटेल्स ड्राइविंग रिव्यू आपको जो है देखने को मिलेगा, उसमें आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और इधर जो है फिर आपको एक वो मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और इधर जो है आपको ये आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, वो फिक्स्ड आर्मरेस्ट ही है आपको देखने मिल जाएगा। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे मोबाइल नहीं है जिससे जो मोबाइल वायरलेस हो, वायरलेस वाले से वीडियो शूट हो रही है, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको, वायरलेस काम करता है बहुत अच्छे से। ये देखिए ऐसे जो है यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, ये वायरलेस वाला नहीं है तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, वायरलेस वाला होता है तो उससे चार्जिंग होता है, चार्जिंग है यहाँ पे भी दिखाता है जब चार्जिंग होती है तो। और इसके अंदर और कुछ नहीं, ये जो था पहले कंट्रोल हुआ करता था, इसको इन्होंने पूरे को यहाँ से हटा के वो फालतू की जगह थी उसको इन्होंने कर दिया। और यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर जो है वेंटिलेटर सीट से मिलती है, मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ, शायद आपको जो आवाज़ साउंड कर रही है, मैंने यहाँ से जो है इसको वेंटिलेशन वाले को ऑन किया है, तो इसकी जो आवाज़ आ रही बहुत ही शानदार और अच्छा फीचर है। कूलिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, और कुछ इस टाइप से जो है, तो कूलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, कुछ इस टाइप से जो है नेक्सोन ईवी का इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया, पूरा पूरा ए टू जेड चीज़ें जो आपको मैंने दिखा दी है नेक्सोन ईवी के बारे में। चलाने में काफ़ी अच्छी है, और इसकी बैटरी पैक की बात करें तो 40 किलोवाट की इसकी जो है बैटरी अब आ गई है, तो 40 किलोवाट की बैटरी से आपको जो है इसके अंदर जो है 450 किलोमीटर की कंपनी जो है क्लेम रेंज क्लेम करती है, और इसके अंदर जो है आपको रियल लाइफ के अंदर जो है लगभग 350 के आसपास जो है क्लेम आराम से देखने को मिल जाएगी, और जो काफ़ी डिसेंट क्लेम वो रेंज हमें है। ये देखिए ये मैंने इसको ओपन किया और इधर से ही हो गया, तो अब मैं आपको इसके जो रिवर्स जो है ना रियल जो पीछे की सीट्स है वो आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ उसके अंदर चेंजेज है, हालांकि चेंजेस कुछ नहीं है। और ये कुछ इस टाइप का ईवी का डिज़ाइन है, आप एक बार देख लीजिए, और मैं अगर रिवर्स रियर की विंडो दिखाऊं तो ये देखिए रियर में यहाँ पे कपड़े का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन दिया गया, इधर ये दिया गया, और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी दिया गया। ये पूरा यहाँ पे जो है वेंटिलेशन नहीं है, बट ये सीट्स कुछ ऐसी ही सीट्स इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इधर जो आपको इसके अंदर ये देखने को मिल जाएगा, आर्मरेस्ट है, इधर जगह है, सीट्स कम्फर्टेबल वगैरह पहले ही था, और इधर जो है एसी वेंट्स दे दिया गया, और कुछ भी नहीं है पीछे, पावर सॉकेट वगैरह चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और कुछ इस टाइप से आपको जो है पीछे का से फ्रंट का डिज़ाइन नेक्सोन ईवी मैक्स का कुछ इस टाइप से जो आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका जो है बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ, और वहाँ पे क्या चीज़ है वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, बूट स्पेस को ओपन करते हैं। तो बूट स्पेस को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो आपको इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इससे जो है आप इसके अंदर जो है बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है 350 लीटर का इसके अंदर जो है बूट स्पेस, जो पहले नेक्सोन ईवी में आता था वही सेम आपको जो है बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और चार्जर है ये इसके अंदर जो है 3.3 किलोवाट वाला आपको जो है चार्जर इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है 7.2 किलोवाट का चार्जर का भी आपको जो है ऑप्शन
देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शनल में लेना चाहते हो इसका कुछ चार्जर का, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा चार्जिंग ऑप्शन होता है। और नीचे जो है ये एक स्पेयर व्हील है, जो सेम साइज़ का स्पेयर व्हील आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इसके अंदर जो है 16 इंच का स्पेयर व्हील है। ये आरआर वाले होते हैं तो इसके अंदर जो है डिफरेंट नहीं दे सकते इसको जो है, ठीक है। आरआर वाले वो होते हैं जिसके अंदर आपको जो है क्या बोलते हैं, ये होता है रेंज वगैरह सही मिलती है। और ये इधर पकड़ने के लिए जगह है, और कुछ इस टाइप से जो है इसका ये हो गया। और अगर मैं इसकी इसका बात करूँ तो ये आपको हमें आगे से ही ओपन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डाटा वालों को करना चाहिए था काम कि इसको भी ये है जो बीच में यहाँ से कंसोल से देना चाहिए, यहाँ पे चार्जिंग वाला दिया यहीं से देना चाहिए, बट इन्होंने फ्यूज लीड एक अच्छी काम और किया इन्होंने, देखिए यहाँ पे जो इन्होंने चेंज कर दिया। पहले पेट्रोल का ही ऑप्शन आता था यहाँ पे लिखा हुआ, इसको ओपन करो और मैं आपको है इसका दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ से आप जो है चार्जिंग लगा सकते हो। यहाँ पे जो अपना नॉर्मल चार्जर होता है वो लगा सकते हो, इधर जो है फास्ट चार्जर का ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से जो है इसका इंटीरियर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी जो है मोटर ओपन करके दिखा देता हूँ, मोटर के अंदर क्या चीज़ है। तो मोटर को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से ये ओपन करना पड़ेगा हुड, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और देखिए ये देखिए ये कुछ इस टाइप की मोटर है, यहाँ पे कवरिंग वगैरह दी हुई नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए ये मोटर है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी ईवी के साथ आती है। ये जो है 145 बीएचपी की पावर और 250 एनएम का जो है आपको टॉर्क जनरेट करता है, और काफ़ी इसके अंदर जो है पावरफुल होती है। इसके अंदर कोई इंजन वगैरह होता नहीं है, आप देख लीजिए पीछे से पाइपें वगैरह, मैंने आपको नीचे से भी इसको इनिशियली दिखाया था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इसका जो डिज़ाइन आपको जो है देखने को मिलता है, और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। तो दोस्तों ये था टाटा नेक्सॉन ईवी का फुल वॉकराउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।